हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि ये जीतू के जो गार्ड प्लेयर होते हैं उनका गार्ड कैसे पास करना है। तो पहले आप लो रहिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, जब भी चांस मिले एक पैर को आप ओपोनेंट के पुल करके उनको फ्लैट कर दीजिए। एक बार वो फ्लैट हो गए तो आपका जो पीछे वाला पैर है वो उनके नी के पीछे प्लेस होगा, इससे वो लेग उनका ट्रैप हो जाता है और जो फ्री लेग है जो मेरे हाथ में वी ग्रिप में फंसा हुआ है उसको मैं रीडायरेक्ट करूँगा अपने आर्मपिट की तरफ। तो ये जो वी ग्रिप है इसको मैं आर्मपिट में पुश करूँगा, मेरे एक फ्री हैंड जो बचता है लेफ्ट हैंड उससे मैं उस नी को और अंदर टाइट पुल कर लूँगा। अब बहुत ज़रूरी है कि इसको मैं टाइटनेस को मैं छोड़ूँ ना, और मेरा जो हाथ है अब जो फ्री हाथ है लेफ्ट हैंड है वो एक अंडर हुक की तरह पोजिशन में आ जाएगा। मैं अपने नी को भी ग्राउंड पर प्लेस कर दूंगा और अपना पूरा वेट मेरे ओपोनेंट की नी के ऊपर हो जाएगा, जिससे वो नी टोटली फंस जाएगी, कहीं निकल नहीं पाएगी। अब मुझे ऑलरेडी एक साइड में अंडर हुक है, मैं दूसरे साइड में भी चाहता हूँ अंडर हुक आ जाए। जब दोनों अंडर हुक हो जाते हैं तो अपने ओपोनेंट के दोनों हाथ आपके कंट्रोल में रहते हैं। तो अब मैं अगर सिंपली अपनी नीज हटा दूँ तो साइड कंट्रोल में ऑलरेडी आ गया हूँ, पर मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए कि मैं सिर्फ एक साइड से पास ना कर सकूँ, मैं दोनों साइड से साइड कंट्रोल कर सकूँ। तो दोनों अंडर हुक आ गए, अब मैं ईजिली स्टेप ओवर उनके स्टमक के ऊपर नी स्लाइस करके दूसरी साइड भी साइड कंट्रोल ले सकता हूँ। होप आप लोगों को यूजफुल रही टेक्निक। वी आर क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब।